नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा वार किया है। अब की बार उन्होंने यूपीएससी की ओर से निकाली गई भर्ती पर सवाल खड़े किए हैं। इस तरह की लेटरल एंट्री का उन्होंने पुरजोर विरोध किया है और उसे यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ बड़ा धोखा बताया है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ बड़े और महत्वपूर्ण पदों पर भर्तियां यूपीएससी की जगह आरएसएस से करवाई जाएंगी। इसे लेकर उन्होंने एक पोस्ट भी किया। अपनी इस पोस्ट में राहुल गांधी लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। यह यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। चंद कॉर्पोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। आईएएस का निजीकरण, आरक्षण खत्म करने की मोदी गारंटी है। यूपीएससी की इस लेटरल एंट्री स्कीम का सपा और बसपा ने भी विरोध किया है। तो आपने सुना किस तरह से राहुल गांधी ने यहां पर अपना विरोध जताया। अब बात करते हैं हम सपा चीफ अखिलेश यादव की। उन्होंने कहा कि वो 2 अक्टूबर को इस स्कीम के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र पर कॉरपोरेट के कब्जे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कॉरपोरेट की अमीरों वाली पूंजीवादी सोच ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करने की होती है। अखिलेश ने कहा कि ये स्कीम आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस स्कीम का विरोध किया है और उन्होंने इस स्कीम के खिलाफ 3 बातें सामने रखी। उन्होंने कहा कि 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का फैसला सही नहीं है, बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना ये बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी एवं असंवैधानिक होगी। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो विरोधी दल के नेता हैं वो इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी नेताओं का यह विरोध सत्ता में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार को कितना प्रभावित करेगी या इस पर कितना वो विचार करते हैं, वो फिलहाल आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।